हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्थ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन आपको आपके विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे अनइंस्टॉल करना है, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उन फाइल को आपको कैसे अनइंस्टॉल करना है जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी लेके आता रहता हूं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कोई फाइल आपको अनइंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से, तो आपको यहाँ पर एक स्टार्ट बटन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करना है। जैसे मेरा एक एप्लीकेशन मैंने अनइंस्टॉल करके रखा है, जैसे 7zip है, इसको मुझे अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप आपको मैं तीन तरीके से बताऊंगा कि आप उसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोई भी फाइल है जो आपको अनइंस्टॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी सब की सब, जितने भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है यहाँ पर आपको दिखेगा उसका लिस्ट। ठीक है, अभी मान लो मेरे को अभी 7zip करके एक सॉफ्टवेयर है, इसको अनइंस्टॉल करना है मेरे विंडोज 10 से। तो यहाँ पर मैं इसको जो यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको या फाइल का नेम मिलेगा, जैसे ये अडोब रीडर है, उसको जिस सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर उसको क्लिक करना, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करना है, ना कि लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर उसको अनइंस्टॉल बोल देना है, जो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर जो कंट्रोल पैनल है प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर लेके चला जाएगा आपको, यहाँ पर आपको वो फाइल देखना है जो आपको अनइंस्टॉल करना है। अभी हम लोगों को 7zip करना है, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उसको अनइंस्टॉल बोल देना है, तो यहाँ पर वो फाइल अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल अनइंस्टॉल हो गया है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ से भी गायब हो जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप्स में आपको क्या करना है, तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रन एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल टाइप करना है, CONTROL कंट्रोल टाइप करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये कंट्रोल पैनल है ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो ये प्रोग्राम एंड फीचर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है यहाँ पर आपको वो दिख जाएंगी। ठीक है, अभी मेरे को कोई फाइल अनइंस्टॉल करना है, तो जैसे कि कोई भी फाइल है, जैसे CC है, CC प्रॉक्सी है, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करना है, जैसे WinRAR है, मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है आपको और ऊपर देखोगे ना, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको उसको अनइंस्टॉल करोगे तो ये फाइल आपकी अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। ओके, और थर्ड ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, इस पर जो ये है क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, राइट क्लिक एंड ऑन सेटिंग्स बटन। ओके, यहाँ पर आपको सिस्टम के जो एप्स है, एक एप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आप ऐप एंड फीचर्स पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद जितने भी आपके प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका लिस्ट दिखेगा आपको। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे को वही सेम है, अभी मेरे को विद्रार यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना आपको और यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन दिखेगा आपको, हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, यहाँ पर उसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको, दिस एप्स एंड इट इज रिलेटेड इन्फो विल बी अनइंस्टॉल। ठीक है, जैसे ये अनइंस्टॉल किया तो यहाँ पर ये इसको यस कर दीजिए, तो यहाँ से वो फाइल अनइंस्टॉल हो जाएगी। यू नीड टू रिपोर्ट टू अनइंस्टॉल विनॉन कम्प्लीटली। ओके, ठीक है, तो यहाँ से वो अनइंस्टॉल हो गया फाइल, अभी नहीं दिखेगा आपको इधर। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अनइंस्टॉल कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल करके रखा है अपने विंडोज 10 के अंदर, और विंडोज 11 का भी सेम है, आप वहाँ पर भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।